तो जी फाइनली लॉन्च हो गया रेडमी का रेडमी 9 पावर। और ये फोन बेसिकली चाइना में लॉन्च हुआ था रेडमी 9 4G नाम से, रेडमी नोट 9 4G नाम से, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गया रेडमी 9 पावर नाम से। क्या कुछ खासियत है टेक की बात है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इससे पहले एक पोल रखा हूँ जो कि आज टेक्निक में बताया था, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं कि अगर रेडमी 9 पावर और रेडमी का जो पोको, रेडमी का नहीं पोको का M3 लॉन्च होने वाला है वो सेम सीजन के साथ आएगा तो वो लॉन्च होता है तो कौन सा फोन आप लेना चाहें, पोल में जरूर से बताना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये लॉन्च हो गया, प्राइस क्या है, स्पेशल क्या है, डिजाइन क्या है, इन सब के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो देखते रहिए वीडियो, अगर पता है तो आप स्किप करके जा सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे डिजाइन की बात करते हैं, तो वही सेम डिजाइन है जो 10,000 में आपको देखने को मिलता है, जो कि Redmi 9 में आपको देखने को मिलता है या फिर Poco का M2 में आपको देखने को मिलता है, वही सेम डिजाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक बॉडी के साथ आपको देखने को मिलेगा, एक नॉच आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस वाला आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका ब्राइटनेस लेवल है 400 nits का। और यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का। Redmi का एक बात मुझे अच्छा लगता है, Redmi और Poco भी बोल सकते दोनों एक ही कंपनी है, दोनों का इस प्राइस रेंज में दोनों फुल HD देते हैं जो कि Realme नहीं देता। Realme का सब 720p वाला डिस्प्ले होते हैं, लेकिन Redmi और Poco का ज़्यादातर 10,000 में भी जितने फ़ोन आते हैं, 10 से लेकर 11-12,000 में जो भी फ़ोन आते हैं, सब में आपको एटलीस्ट फुल HD यानी कि 1080p वाला LCD पैनल आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का 662 वाला 11nm वाला प्रोसेसर मिलेगा। GPU की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एड्रेनो का 610 वाला यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर रैम वेरिएंट की बात करते हैं, तो ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। जो पहला वेरिएंट है वो है 4GB 64GB और दूसरा है 4GB 128GB। और एक खास बात जो है, जो 64GB वहाँ पे आपको UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है, और जो 128GB वाला वर्जन है उसमें आपको UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है। तो थोड़ा वर्जन में भी चेंज है, 1000 ज़्यादा लेंगे तो और थोड़ा फास्ट में मिलेगा और ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा। अगर आपको पता नहीं तो UFS यानी कि अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज, यानी कि जैसे कि आपका लैपटॉप में हार्ड ड्राइव एंड SSD होता है उसी तरह काम करता है। जो हार्ड ड्राइव वाले लैपटॉप है थोड़ा स्लो होते हैं, और SSD वाला जो लैपटॉप होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोसेसिंग राइटिंग रीडर राइट स्पीड ज़्यादा रहता है, तो उसी तरह ये UFS वगैरह काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ जो 3 कैमरा है वो सीधे अलाइन हुआ है, और एक छोटा सा एक कैमरा साइड में एक रखा गया है, वो आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो 4 कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, और जो मेन कैमरा था वही मेन रहता है, बाकी जो 2 मिलते हैं तो आजकल कंपनी अगर चाहेंगे तो 3-4 वहाँ पे चिपका देंगे, माइक्रो BW और उसके बाद वाइट वाला कलर मोनोक्रोम, ये सब चिपका देंगे 4-5 ऐसे। लेकिन जो मेन रहता है वो 8 जो मेन रहता है 48MP या फिर 12MP या 13MP जो मेन कैमरा रहता है, और एक जो मुझे अच्छा लगता है वो है वाइड एंगल वाला। तो यहाँ पे टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं, 48MP का रियर कैमरा मिलता है जिसमें कि आपको सैमसंग का GM1 वाला सेंसर मिलता है। ये वही सेंसर है जो कि आपको नोट 7 में आपको मिला था, पहला जो नोट 7 लॉन्च हुआ था, नोट 7 एस लॉन्च हुआ था 48MP में, उसमें आपको जो मिला था वही वाला सेंसर है। और एपरेचर की बात करें तो F1.9 के साथ आता है। उसके बाद जो मेरा फेवरेट लगता है, मुझे जो लगता है कि मोबाइल फोटोग्राफी में आपको हेल्प कर सकता है, वो है एक वाइड एंगल का ज़्यादा हेल्प रहता है। अदरवाइज जो आते हैं आपका मैक्रो लेंस वगैरह, उससे ज़्यादा हेल्प करता है वाइड एंगल किसी शॉट में लेने का। अगर जो फोटोग्राफी करता है उनको पता होगा वाइड एंगल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 8MP का आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है 120° वाला। उसके बाद जो मिलता है 2MP का डेप्थ सेंसर, और जैसे कि बताया एक 2MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और फ्रंट सेल्फी की बात करें तो 8MP का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी चीज़ों की बात करते हैं, बाकी सब चीज़ मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को आपको मिल जाता है, जो कि रेडमी का जो 9 प्राइम था उसमें आपको पीछे तरफ मिल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा डिजाइन चेंज करके साइड में दे दिए, जैसे कि उनका अपर हैंड यानी कि 11-12,000, 13-14,000 में जैसे देते हैं उसी तरह फिंगरप्रिंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 4G है, Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे और क्या कुछ मिलता है, तो 6000mAh का बैटरी मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अब प्राइस की बात करते हैं, तो जो 4GB 64GB वाला मॉडल है उसका प्राइस 11,000 रखा गया है, और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB 128GB उसका प्राइस रखा गया 12,000। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको amazon.in के ऊपर देखने को मिल जाएगा 22nd दिसंबर से, तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे कस्टमर कंफ्यूज होगा कि कौन सा फ़ोन ले, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस में इससे बेटर फ़ोन भी आते हैं, जैसे बोल सकते हैं G80,
G85 वाला भी आते हैं। पोको का जो लीजिए 6GB वाला मिलता है आपको 10-11 हज़ार में, वो भी अच्छा फ़ोन है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा रैम भी मिल रहा है और 6GB वाला जो होता है थोड़ा फास्ट भी होगा, लेकिन प्रोसेसर यहाँ पे 662 है। इसमें कन्फ्यूज होगा कि क्वालकॉम है मीडियाटेक है, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये फ़ोन भी ठीक ठाक है इस प्राइस में बोल सकते हैं। और जो बाकी इस प्राइस में आते हैं रियलमी का रेडमी का, वो भी ठीक ठाक है क्योंकि इस प्राइस में उसमें भी बहुत ही अच्छा फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में हम कंपैरिजन वीडियो एक डिटेल्स में लेके आएंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल के लिए ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, मुझे पता नहीं ये फ़ोन क्यों लॉन्च किया, क्योंकि पोको का ये फ़ोन आने वाला है पोको M3। अगर आपको पता नहीं तो बता दूँ, बहुत जल्द आपको इसी महीने शायद से वो देखने को मिल सकता है, यही सेम प्रोसेसर के साथ सेम डिजाइन के साथ, थोड़ा वो डुअल टोन फिनिश वगैरह दे देंगे, वो उसी के साथ ही आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। अब तो यही कर रहे हैं, रियलमी यही कर रहा था, रेडमी भी यही कर रहा है, सेम प्राइस में सेम फैशन के साथ 10 फोन एक दूसरे नाम से लॉन्च कर दो और यही मजे लूटो, फोन बेचो और क्या। तो आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगा जैसे पहले रेडमी का या रियलमी का फोन लॉन्च होते थे तो एक्साइट लगता है हाँ ये लॉन्च हो गया बोल के। ये सब उतना खास नहीं है, वही नॉर्मल डिसेंट सा फोन है 10,000 में, चाहे तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह भी आएगा, कोशिश करूँगा आएगा इसका, और इसके साथ साथ इसका कंपेरिजन वीडियो भी कल परसों में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और कलर के बारे में यहाँ पे जाते जाते बताए तो कलर नहीं बताया, तो 4 कलर में देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो 4 कलर में आपको देखने को ये मिल जाते हैं। तो बस इतना था, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इस फोन के बारे में, कैसा है फोन, क्या कुछ है, कब मिलेगा। अगर अच्छा लगा है और हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर देना, आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टिप एंड यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।